नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत पीयूष। अगर आप तेजस्वी यादव को किसी बीजेपी नेता का पैर छूते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको? ताज्जुब होगा। जी हां, इसी तरह की तस्वीर सामने आई है जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के एक बड़े नेता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। खबर पटना से ही है। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित था और उसमें लोकसभा के स्पीकर भी पहुंचे हुए थे और सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे विधायक उसमें शामिल थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों मंत्रियों ने तेजस्वी यादव को घेर लिया और सभी ने उनसे शादी की पार्टी देने की मांग शुरू कर दी। शादी के बाद पहली बार विधानसभा पहुँचे थे तेजस्वी यादव और विधायकों ने देखा तो मौका गंवाया नहीं, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि आपने तो शादी में किसी को न्योता दिया नहीं, लेकिन अब कम से कम एक सामूहिक भोज दे दीजिए। और भोज भी ऐसा होना चाहिए कि विधायकों के लिए विशेष होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1,00,000 लोगों को बुला लीजिए और उसमें विधायकों को न्योता दे दीजिए। तो विधायकों ने, मंत्रियों ने तेजस्वी यादव से अपने लिए एक विशेष भोज का आयोजन करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना काल में शादी हुई इसलिए किसी को आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्द वो भोज देंगे। यानी बिहार के सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों को तेजस्वी यादव की शादी का भोज खाने का मौका मिलने वाला है। विधायकों की मांग पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण वो शादी में किसी को बुला नहीं पाए, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और जल्द ही भोज का आयोजन भी किया जाएगा। इसी बीच उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद तेजस्वी यादव के पास पहुंच गए। जैसे ही तेजस्वी यादव ने देखा दोनों को तो बीजेपी नेता थे रविशंकर प्रसाद, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने पहले बधाई दी शादी की और तेजस्वी यादव ने उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो पक्ष और विपक्ष के विधायक जिस तरह से आपस में प्रेम भाव के साथ मिलते दिखे और भोज की मांग करते दिखे, अगर यही तस्वीर विधानसभा में बहस के दौरान सामने आती तो ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि देखिए, विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, दोनों का काम जनता की सेवा करना है। तो सदन के अंदर जन समस्याओं को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहता है और सत्ता पक्ष जवाब भी देता रहता है, लेकिन बहस के दौरान जो हाथापाई गाली गलौज की नौबत आती है, अगर वो नहीं आए और इसी तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे का सम्मान करते नजर आए तो ज़्यादा नाम होगा बिहार का।